गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। आकांक्षा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नीट टॉपर आकांक्षा को सपरिवार किया सम्मानित। कहा, एक मुश्त दिया जाएगा यूजी की पूरी पढ़ाई का खर्च। बिटिया को संयुक्त टॉपर घोषित करने के लिए नीट को पत्र लिखेगी राज्य सरकार। दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विभिन्न कार्यक्रमों में हुए शामिल। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। गुरुवार को सिवान में करेंगे जनसभा को संबोधित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रांसपोर्ट नगर स्थित बाबा मुक्तेश्वर नाथ मंदिर में विधि विधान से किया पूजा अर्चना। मंदिर परिसर में सौंदर्यकरण कार्य का किया निरीक्षण। पौधरोपण कर स्वच्छ पर्यावरण का दिया संदेश। निर्माणाधीन कार्यों को समय अनुसार पूरा करने के दिए निर्देश। मनभड़ युवक द्वारा की गई फायरिंग में युवती को गोली लगने के मामले में गगहा पुलिस ने 48 घंटे के अंदर आरोपी सहित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा किया बरामद। भेजा जेल। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई संभागीय परिवहन प्राधिकरण की मंडलीय समीक्षा बैठक। कहा, बिना परमिट के अवैध वाहनों का संचालन हो बंद। आलू प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर जिला प्रशासन हुआ सतर्क। सिटी मजिस्ट्रेट ने नवीन महवा मंडी में 5 दुकानों का चयन करके रेट किया निर्धारित। कहा, आलू प्याज के दाम सामान्य होने तक प्रतिदिन रेट होगा निर्धारित। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न हुई कोरोना संक्रमण की रोकथाम संबंधित बैठक। कहा, कॉन्टैक्ट टेस्टिंग बढ़ाकर दुकानदारों, ऑटो रिक्शा चालकों का कराया जाए कोविड का टेस्ट। लोगों को किया जाए जागरूक। पुलिस का मानवीय चेहरा आया सामने। नौसड़ पुलिस चौकी की पुलिस ने रोड के किनारे लावारिस हाल में पड़े 2 बोरी रेडीमेड कपड़ों को 3 दिन बाद उसके वास्तविक मालिक को सपुर्द कर पेश की ईमानदारी की मिसाल। चहु और हो रही है सराहना। शहर के शाहपुर फीडर से दी जाने वाली विद्युत आपूर्ति बिजली विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण 26 घंटे बाद आपूर्ति हुई बहाल। पानी को तरसे लोग, स्थानीय नागरिकों में दिखा रोष। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे एसबीआई के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने कहा, गांवों के अंतिम ग्राहकों तक अपनी पहुंच बनाएगा एसबीआई। जिले के 9 नियुक्त प्राथमिक शिक्षकों को प्रेरणा ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवंटित हुए विद्यालय। जिले के चयनित 599 नवनियुक्त शिक्षकों में से 237 शिक्षकों को मिला उनका स्कूल। किया खुशी का इजहार। प्रदेश सरकार पर जताया आभार। टीबी की बीमारी के लिए सक्रिय सघन अभियान चलाकर उनका किया जाएगा खोज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा 1 नवंबर को प्रदेश के 38 जनपदों का ऑनलाइन करेंगे शुभारंभ। पीडब्ल्यूडी नियमित वर्क चार्ज कर्मचारी संघ गोरखपुर द्वारा आहूत की गई आवश्यक बैठक। वर्षों से लंबित विभिन्न मांगों को लेकर की गई चर्चा। भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश के बैनर तले दर्जनों कर्मचारियों ने मनाया राष्ट्रीय प्रतिवाद विरोध दिवस। जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को संबोधित सौंपा ज्ञापन। चिलवाताल पुलिस ने बुधवार को एक वांछित अभियुक्त को नकहा रेलवे क्रॉसिंग के पास से चाकू के साथ किया गिरफ्तार। भेजा जेल। गोरखपुर में बुधवार को मिले 54 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 18,815। अब तक 307 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। एक्टिव मरीज हुए 882। सीएमओ डॉक्टर श्री कांत तिवारी ने की पुष्टि। और गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के तत्वावधान में आयोजित हुआ परिचर्चा एवं साक्षात कार्यक्रम। मशहूर हास्य कलाकार संजय मिश्रा ने कहा, समाज का आईना है सिनेमा।